हेलो गाइस एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू अन अकेडमी बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स चैनल सो वी आर लाइव एंड एज यू ऑल नो गुड आफ्टरनून सनत एज यू ऑल नो वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ फॉर आईबीपीएस बी कल हमने हमारा 2012 का आईबीपीएस बी का पेपर जो है इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था we'll be continuing that today. Hello Himanshu. We'll be continuing the discussion on our IBPS AFO MCQs. So first of all, kisi ko kisi bhi tarah ka koi doubt hai to please pooch sakte hain aap Not only in terms of your questions related to subject, अगर कोई और general doubt भी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. Before I proceed towards the lecture, Sunet and Himanshu, अगर किसी भी तरह का कोई doubt है तो please feel free to ask that <laughs> okay so guys uh एज़ आई वॉज टेलिंग यू कि एग्रीकल्चर का हमारा आई बी पी एस एफ ओ का हम डिस्कस कर रहे हैं बट लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व फॉर स्टूडेंट्स हू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड वेरियस अदर डोमेन्स इन आई बी पी एस एस ओ तो आई बी पी एस एस ओ के अंदर प्रिपेयर करते हुए मुझे एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं बहुत अच्छी बात है अपने स्पेशलिस्ट डोमेन्स के लिए जैसे मेरा अगर एग्रीकल्चर का डोमेन है तो बच्चे एग्रीकल्चर में बहुत सीरियस हैं ठीक है थीके? तो मैं लेकिन आपको कंटिन्यूसली एक बात ये कहना चाहूँगा कि अपने इस मेन्स सब्जेक्ट के साथ साथ प्लीज डू नॉट लूज योर फोकस ऑन द प्रीलिम्स प्रीलिम्स में आपका कोई स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट नहीं आएगा उसमें आपके क्यू आर ई e ही आने हैं दैट इज योर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश तो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी देखा एक दो बच्चों ने अपना कंसर्न जो है वो जताया कि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश का क्या करें सो डेफिनेटली गाइज क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी मेन्स में जाओगे ठीक है तभी मेंस में अपनी नॉलेज एग्जामिनर को शो कर पाओगे उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना अच्छा प्रिपेयर किया है एग्रीकल्चर को या कंप्यूटर एप्लीकेशन को या आईटी को जिस भी डोमेन के बच्चे हो उसको पता ही नहीं चलेगा तब तक जब तक आप मेंस में नहीं पहुंच जाओगे तो आपको मेंस में तो अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा नॉट एग्जैक्टली वी कैन से कि बिल्कुल पीओ लेवल का होता है लेकिन अच्छा लेवल होता है ठीक है पीओ ओ लेवल से आप लगा सकते हो कुछ बहुत ज़्यादा अंतर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और वो अंतर भी कभी भी ख़त्म हो सकता है पाँच दस परसेंट लगा करके चलो उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि प्रीलिम्स एज सच जो आईबीपीएस का होता है पी uh, का वो भी इतना कुछ मुश्किल नहीं होता मेंस में डेफिनेटली लेवल जो है वो रेज होता है केवआरी का तो अगर हम पी का प्री लेवल देखें तो पीओ के प्री लेवल के आसपास आप लेकर के चल सकते हो कि आई बी का भी होगा क्योंकि दोनों ही जो एग्जाम्स हैं चाहे वो आपका पीओ का है या फिर वो आपका ए का है दोनों ही ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स हैं ठीक है दोनों जो एग्जाम्स हैं आपके वो ऑफिसर लेवल के हैं तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करके चलो कि लेवल जो है मोर और लेस सेम रहता है कई बार क्या होता है किसी साल में थोड़ा सा हैवी आ जाता है किसी साल में थोड़ा सा हल्का आ जाता है तो वो ईयर ऑन ईयर जो है वो मैटर करता है उसके अंदर आ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पीओ के प्रलिम से कुछ बहुत ज्यादा आसान होता है या पीओ के प्रिलिम से कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उस बेसिकली आकलन में हम इसको नहीं रख सकते जो आपका एग्जाम ये आ, आ, आई आई बी पी एफ ओ का या आई स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रहता है ठीक है तो क्यूआरी के ऊपर बच्चों फोकस बना करके रखें और टेंथ ऑफ नवंबर यानी कि कल से आपके और भी बड़, बड़े सारे बैचेज शुरू हुए हैं उन बैचेज में अगर आप एनरोल हो प्लस सब्सक्रिप्शन है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट एंड साथ ही साथ अगर आप एक बार केवआरी प्रिपेयर कर लेते हो ना तो क्यूआर प्रिपेयर करने का एक फायदा क्या होगा इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट और अगर पुराने भी हो एग्रीकल्चर डोमेन वाले एग्जाम्स दे रहे हो तो एक बार केवआरी अच्छे से प्रिपेयर हो गया ना तो मल्टीपल डोर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे ठीक है मल्टीपल डोर्स कैसे ओपन हो जाएंगे आई बी का भी पेपर होना है ठीक है आपके एस में भी एग्जाम्स होने हैं बाकी के रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स भी होने हैं ठीक है और मल्टीपल इंडिविजुअल बैंक के एग्ज़ाम्स भी होने हैं तो उन सारे एग्जाम्स के अंदर भी आपका जो है रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा क्योंकि वो तो बेस्ड केवआरी ही है ठीक है तो केवआरी एक बार प्रिपेयर हो गया तो आप बाकी के एग्ज़ाम्स देने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे दैट विल अगेन इंक्रीज योर चांसेज ऑफ गेटिंग इन टू अ गवर्नमेंट जॉब ओके सो डेफिनेटलीट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी तो प्लीज ये बेस्ट जो बैचेज आपके चल रहे हैं इनको जरूर ज्वाइन करें टेंथ ऑफ नवम्बर से मल्टीपल बैचेज शुरू हुए एंड अन्यडमी पर जाओ प्लस सब्सक्रिप्शन लो और पढ़ाई के मजे उठाओ ठीक है डाउट आप पूछने का फीचर भी है अन अकेडमी के ऊपर एक ठीक है जिसमें आप जाकर के ऐप पर अपने डाउट को अपलोड करके आपको उसके वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है अन अकेडमी पर एक ठीक है उस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करो स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो डेफिनेटली आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो एंड आपको एक अपनी प्रिपरेशन का आइडिया भी लग जाता है दैट वेयर डू यू स्टैंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में स्कॉलरशिप टेस्ट का यू जस्ट हैव टू एनरोल इट इन योर सेल्फ इन इट एंड यूज द कोड के गर्ग फोर के गर्ग फोर कोर करके आप वहाँ पर अपने आप को एनरोल कर सकते हो जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल राइट एंड बेसिकली आपके पास सब्सक्रिप्शन के ऑफ़र भी हैं वन ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो चार एडिशनल मंथ मिलते हैं दो साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आठ एडिशनल मंथ आपको मिलते हैं ठीक है आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर द कॉम्बो ऑफ योर बैंक प्लस आर बी आई बैंक प्लस आर बी आई का एक कॉम्बो रहता है उसके अंदर उसके ज़रूर लें और ये एडिशनल मंथ्स वाला जो ऑफर है दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर डे ओनली या आज लास्ट डे है इसका तो अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो बेटा ले लो ठीक है अब अगर आप देखो बैंक का अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन देखो तो इट इज फॉर सिक्सटी फाइव हंड्रेड एंड अगर आप बैंक प्लस आर का देखो तो नाइन थाउजेंड का पड़ेगा आपको प्लस उसमें थ्री मंथ्स आपको एडिशनल मिल जाएंगे बट आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर द कॉम्बो ऑफर और जब भी आप कोर्स ले रहे हो तो यू कैन अगेन यूज द कोड के गर्क फोर आपको डिस्काउंट इसमें और मिल जाएगा प्लस अगर आप एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते हो पेमेंट तो उस केस में आप ई में भी पेमेंट कर सकते हैं ठीक है ई एम आई जो है वो नो no कॉस्ट रहती है नो कॉस्ट ई एम आईज आपकी बनती है ऑल राइट right, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता लेकिन आपको ईजी हो जाता है उसमें ठीक है जी चलो अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हार्डनेस इन वुडी टिश्यू इज ड्यू टू वुडी टिश्यूज जो होते हैं ट्रीज uh, के या प्लांट्स के उनके अंदर जो हार्डनेस होती है दैट इज गिवन बाय ऑप्शन ए लिगिन ऑप्शन बी सियोब्रेन ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी सेल्यूलॉस एंड ऑप्शन ई विल बी नन ऑफ दीज ओके प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन को आंसर करने का जरूर ट्राई करें जितना हो सके क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करो क्योंकि उससे क्या होता है ना आप को थोड़ा पता चलता है कि हाँ जी अगर मैंने कहीं पर गैस वर्क भी लगाया तो मेरा क्या हाल होगा कितने मेरे गैसेज सही जाते हैं और कितने मेरे गैसेज गलत जाते हैं चलो तो क्या आंसर हो जाएगा यहां पर याँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लिगनिनि जो है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है आपके वुडी टिश्यूज को सो द करेक्ट आंसर इज लिगन ठीक है सो इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है फर्स्ट ऑफ ऑल और की स्ट्रक्चर मटेरियल है जो प्लांट टिश्यूज को सपोर्ट करता है तो प्लांट टिश्यूज को सपोर्ट करने का मेन इसका एजेंडा है ऑर्गेनिक पॉलीमर है इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है ठीक है एंड सेल वॉल की फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशली जो वुडी एंड बाकी ट्रीज होते हैं एंड रिजिडिटी uh, जो है ये इन पर्टिकुलर प्लांट टिश्यूज को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन था कि हार्डनेस कहां से कहां से आती है तो वो आपके लिगनिन से आती है ये क्वेश्चन 2012 के आई में पूछा जा चुका है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से करके आपने इनको जाना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जल्दी से इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है ऑप्शन ए कटक बी जेनेवा सी हैदराबाद डी लॉस बैनोज एंड ई e, मनीला अब ये क्वेश्चन सनत और हिमांशु आपको तो आना चाहिए क्योंकि हमने इसके लिए आपके साथ पूरा एक चार्ट डिस्कस किया है ठीक है अब वो चार्ट वैसे तो दोबारा डिस्कस होगा इस लेक्चर के अंदर तो आपको लगेगा कि सर हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ क्लास में आने का हमें हमने तो ऑलरेडी इसको कर लिया है तो डेफिनेटली इट विल लाइक अ विजन फॉर यू एंड अगर आप ये वाला पार्ट स्किप करना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपको रोकूंगा नहीं क्योंकि अभी हमने दो तीन दिन पहले ही इसको क्लास में डिस्कस अच्छे से किया है सो द आंसर ओवर हेयर इज लॉस बैनो वेरी मच राइट वेयर इज दिस लॉस बैनोस कौन सी कंट्री के अंदर है कौन सी कंट्री के अंदर है 2012 में जब ये सवाल आया था ना तब इसका जवाब कुछ और था पर अब इसका जवाब कुछ और हो गया ठीक है लॉस बैनोज इज इन विच कंट्री हिमांशु लॉस बैनोज कौन सी कंट्री में है एनी आइडिया आपने आंसर तो सही दिया फिलिपिइंस ओके फिलिपाइंस 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 के अंदर ठीक है सो इट्स गुड मनीला नहीं है बेटा मनीला इसका आंसर नहीं है मनीला में पहले था अब लॉस बनोस में है ठीक है चलो अब यहाँ से हमें एक चीज जो वो डिस्कस करनी है दैट इज द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखो मैं बच्चों को बार बार यही बोलता हूं कि इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर आपका पेपर टिका हुआ है आप सर्वे करो अपने पेपर को और आपको पता चलेगा कि कुछ जो फैक्चुअल टेबल्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं अपनी प्लस क्लासेस के अंदर भी बच्चों को कंटिन्यूसली यही बोलता हूँ कि अराउंड सिक्सटी टेबल्स सिक्सटी सेवेंटी टेबल्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो अगर हमने कर लिए तो 10 15 20 क्वेश्चन स्टैटिक के वहीं से फंसेंगे ठीक है और कहीं से नहीं आने उन्हीं टेबल्स में से आने हैं तो सबसे पहले अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमसे डायरेक्टली पेपर में पूछी जा चुकी हैं एंड चनत एंड हिमांशु बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड दैट क्लास आई वुड एक्सपेक्ट कि आप उसके आंसर फटाफट दे पाओगे तो सबसे पहले एक आएगा आपका सी जी आई ए आर सी जी आई ए आर विच स्टैंड फॉर कंसल्टेटिव कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हां बेटा कहां पर है कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कहां पर है ये ऑर्गेनाइजेशन सी जी आई ए आर ये है वॉशिंगटन डीसी वॉशिंगटन डीसी विच इज इन इज इन योर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के अंदर है सी जी आई ए आर कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ नंबर टू के ऊपर आ जाओ नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये कहा है बेटा ये कहां पर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर फटाफट से बता दो कहाँ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर सनत आपने तो ये क्लास लगाई है ये क्लास आप तो अटेंड कर चुके हो चलो दिस विल बी इन कोलंबिया ये कोलंबिया के अंदर है विच इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री वहां पर आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर लोकेटेड है ठीक है कैली नाम की जगह है येस yes, कोलम्बिया के अंदर कैली इज द प्लेस वेयर इट इज लोकेटेड द नेक्स्ट इज़ सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च ये कहाँ है सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च वेयर इज दिस वन सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च दिस इज इन जकार्ता जकार्ता इंडोनेशिया ठीक है जकार्ता आपका कहां पर है इंडोनेशिया के अंदर है ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद जो आपका आ जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इंटरनेशनल सेंटर ज इंप्रूवमेंट हाँ बेटा कहां पर है यह है बेटा आपका मैक्सिको के अंदर मैक्सिको मैक्सिको में एक बैटन नाम की जगह है वहां पर आपको मिलता है ठीक है मैक्सिको में एक बैटन नाम की जगह है वहां पर आपको मिलेगा आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट कहां पर है आपका मैक्सिको बैटन में से देखो जैसे ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया ना मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूँ वो सिमिलर क्वेश्चन पूछेगा और एक आधा एक ना एक क्वेश्चन ये हर साल पूछता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन ये एक ना एक हर साल पूछेगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आपके आ, जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर आ जाओ नंबर फाइव के ऊपर द नेक्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट इज इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर दिस वन इज इन दिस वन इज इन पेरू अच्छा अगर मैं आपसे पूछू ओरिजिन कंट्री पोटैटो का ओरिजिन कंट्री कौन सा है पोटैटो कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था ठीक है हम देखते हैं ना हम एक टेबल देखते हैं उसके लिए भी हम एक चार्ट देखते हैं पूरा जिसके अंदर हम वेरियस कंट्री की कंट्रीज के ओरिजिन को डिस्कस करते हैं तो आपका जो पेरू है ये कौन सी कंट्री के अंदर इसका ओरिजिनेशन हुआ था बेसिकली पेरू पोटैटो जो है आपका ओरिजिनेट भी पेरू में ही हुआ था ठीक है और पेरू में ही आपका इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर भी है और right. उसके बाद इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज योर इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्पैनिश क्या स्पैनिश है ना इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहां पर है इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ओके सो रिसोर्सिसके दिस इज इन योर रोम और रोम तो सब जानते हैं कहां पर है इटली में है उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज ठीक है ये कहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका इन द कंट्री लेबनन लेबनन के अंदर है ये बेरूत में है बेसिकली लेबनन में जो बेरूत है विच इज़ कैपिटल ऑफ लेबनन वहाँ पर आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई एरियाज है पहले हुआ करता था ये अलप्पो सीरिया के अंदर लेकिन सीरिया के अंदर जब सिविल वॉर वगैरह और कंफ्लिक्ट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो उसके बाद इसको चेंज करके यहां पर बेरूत के अंदर जो है ले आया गया था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका आ, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री ठीक है तो ये कहां है आपका और एग्रोफॉरेस्ट्री वाला कहां पर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री दिस वॉज इज इन बेगौर इंडोनेशिया बेगौर इंडोनेशिया ठीक है ये कहां पर है बेगौर इंडोनेशिया में है uh, उसके बाद हिमांशु नेक्स्ट आप बताएंगे ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का एंड दैट वन इज योर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ठीक है जिसको हम आई सी आर आई एस ए टी कहते हैं आई सी आर आई एस ए टी कहते हैं तो ये बेसिकली कहां पर लोकेटेड है बताओ जी ये तो इजी है ये तो आना चाहिए ये वाला तो आना चाहिए हाँ बेटा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अरे ये नहीं आंसर करोगे तो कैसे चलेगा इसको आंसर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा स्टेट बताओ ठीक है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर आ जाएगा उसके बाद इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट अगेन काफी इंपॉर्टेंट है रिसेंटली इसकी एक रिपोर्ट भी आई थी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसमें से सवाल पूछा जा सकता है ठीक है ये फूड हंगर वगैरह के ऊपर एक रिपोर्ट निकालता है जो काफी एक इंपॉर्टेंट रूट जिसको कंसिडर किया जाता है रिपोर्ट uh, कंसीडर किया जाता है ठीक है सो दिस वन इज इन योर वाशिंगटन यूएसए वाशिंगटन यूएसए ठीक है तो वॉशिंगटन के अंदर मेरे दो आ गए एक तो मेरा आ गया था कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और एक मेरा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहां पर आ गया वॉशिंगटन में आ गया चलो नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद आपका एक आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये कहाँ पर है बेटा ये है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहाँ पर है दिस वन इज इन नाइजीरिया इबादान नाम की जगह है इबादन नाम की जगह है नाइजीरिया में वहाँ पर आपको क्या मिलेगा अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर वहाँ पर मिलेगा क्या मिलेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इबादन नाइजीरिया में मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ट्वेल्थ नंबर के ऊपर नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इसके बाद इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ठीक है सो so, ये इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है ये है हमारे पड़ोसी श्रीलंका के पास ठीक है श्रीलंका के पास अच्छा श्रीलंका में ही कोलम्बो में एक और है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर ओनली दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ठीक है ये इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है सिमिलरली एक इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो भी आपका कोलम्बो श्रीलंका के अंदर ही है तो ईजी एक साथ याद कर लोगे तो बेटर रहेगा नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेक्स्ट आ जाएगा फोर्टीन अगर हम देखें दैट विल बी इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है तो ये कहां पर है बेटा ये है आपका नाइरोबी में नाइरोबी विच इज इन कीनिया ठीक है नाइरो विच इज इन कीनिया देन नेक्स्ट आपका इसके अंदर आ जाएगा दैट इज योर इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ओके सो दिस वन गाइज इज इन योर नीदरलैंड नीदरलैंड में है ठीक है उसके बाद एक आपका आता है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन सॉइल फर्टिलिटी इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर इवेल्युएशन एंड फर्टिलाइजर इवेल्युएशन ठीक है यह आपका कहां पर है यह है आपका फर्टिलाइजर इवेल्युएशन ऑन राइस जो कंप्लीट नेम है यह है आपका राजधानी नई दिल्ली में यह कहां पर है न्यू डेली के अंदर ओके उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमने ऑलरेडी देख लिया है लॉस बानोस विच इज इन फिलीपींस फिलिपींस लॉस बानोस इज इन फिलिपींस एंड देन देयर इज योर वर्ल्ड फिश सेंटर वर्ल्ड फिश सेंटर तो वर्ल्ड फिश सेंटर आपका कहां पर है दिस वन इज इन मलेशिया ठीक है बयान लेपस बयान लेपस नाम की जगह है मलेशिया के अंदर वहां पर आपका वर्ल्ड फिश सेंटर आपको मिलता है ठीक है सो दीज आर द 18 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट दीज आर द 18 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल दैट यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट जो आपको करने ही करने हैं ठीक है जो आपको खत्म करने हैं किसी भी तरीके से ठीक है क्योंकि ये एटीन इंस्टीट्यूट uh, नहीं है ये 18 क्वेश्चंस है बेटा आपके दीज आर योर 18 क्वेश्चंस सो प्लीज़ गो थ्रू देम वन अगेन एक बार इनको फिर से फटाफट से देखते हैं एंड लेटस्ट ट्राई टू मेमोराइज देम ओवर हेयर ओनली क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले क्लास देखें और उसके बाद उसको याद करें तो सबसे पहले आपका कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च वॉशिंगटन डीसी के अंदर है इन यूएसए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कोलंबिया के अंदर है सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट मैक्सिको के अंदर आ जाएगा ठीक है उसके बाद इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर पेरू में है इंटरनेशनल बोर्ड फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज इट इज इन रोम इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज लेबनन में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री ये बेगौर इंडोनेशिया में है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद तेलंगाना में है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएस के अंदर ये रहेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इबादन नाइजीरिया इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अगेन कोलम्बो श्रीलंका इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अगेन कोलम्बो श्रीलंका इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट नाइरोबी कीनिया इंटरनेशनल सर्विस फॉर नैशनल एग्रीकल्चर रिसर्च नीदरलैंड इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर इवेल्यूएशन ऑन राइस न्यू डेली के अंदर है आई आर आर आई दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस बैनोज फिलिपिंस वर्ल्ड फिश सेंटर इज इन बयान लैप मलेशउट किसी को कोई डाउट है वैसे doubt वाला इसके कुछ है नहीं ये अट्ठारह क्वेश्चन है लिया कि इस टाइप के एटीन क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं एक क्वेश्चन के बेस पर हमने एटीन क्वेश्चन जो है वो निकाल लिए हैं ठीक है चलो बताओ बेटा कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं क्वेश्चन द पावर हाउस ऑफ सेल इनमें से किसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है ओके लाइजोसॉम राइबोसोम न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नन ऑफ दीस विच सेल पावर हाउस ऑफ सेल बताएं पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी जो आपका पावर हाउस ऑफ सेल है उसमें जो आपका आंसर रहता है दैट इज डी ओनली ठीक है वो डी ही आपका रहेगा तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर योर माइटो इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ योर सेल ठीक है नाउ माइटो का मेनली इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन ठीक है सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है अल्टीमेटली वो ही आ, आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इनटेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एंड बिकॉज दिस एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटेक एंड फिर उसका फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट करके वो प्लांट और प्लांट बॉडी uh, के लिए एनिमल बॉडी के लिए उसको रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ए एंड दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं तो इसके अंदर इतनी कोई दिक्कत वाली बात अपने को आनी नहीं चाहिए क्योंकि स्कूल लेवल से ये वाली चीज हम करते आ रहे हैं इज दिस क्लियर ये क्लियर है इसके अंदर तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं है हां जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद इनमें से किसके साथ चिपकू मूवमेंट एसोसिएटेड है इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू एच एन बहुगुना एस एल बहुगुना और नन ऑफ दीज यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शंस के अंदर दो मिलते जुलते ऑप्शंस जो है वो डाले जाने का रीज़न ही ये है कि अल्टीमेटली आप कंफ्यूज हो जाओ अल्टीमेटली आपको हमें कंफ्यूज करना है किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक हमारा मेन एजेंडा क्या है कि हम या तो बाय हुक या बाय क्रुक आपको जो है कन्फ्यूज़ कर दें ठीक है तो वो काम करने के लिए हम यहाँ पर निकले हुए हैं बताओ जी चिपकू मूवमेंट द नेम विल बी द आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन डी एस एल बहुगुना एस एल बहुगुना एंड नॉट एच एन बहुगुना एस एल बहुगुना दैट इज द कंप्लीट नेम इज सुंदर सुंदर लाल बहुगुना सुंदर लाल बहुगुना चिपकू मूवमेंट के आप बारे में सब जानते हो उत्तराखंड के अंदर ये मूवमेंट इमर्ज हुआ था ठीक है मूवमेंट के पीछे रीजन क्या था हुआ क्या उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग थे वो एक बार जंगल गए एक दिन और जंगल में बेसिकली वो गए थे थोड़ा सा वुड कलेक्ट करने के लिए ट्रीज को कट करके वुड कलेक्ट करना था उनको ताकि वो अपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बना सकें वो जंगल पहुंचे जंगल में पहुंचे तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे उन्होंने उनको वहां से भगा दिया उन्होंने कहा कि भैया जंगल में पेड़ काटना मना है सरकार का कानून है कि आप जंगल में से ऐसे पेड़ नहीं काट सकते उनको गुस्सा आया ठीक है पर फिर भी वो चले गए कहते चलो कोई बात नहीं देखते हैं क्या करना है। उसके बाद क्या हुआ सरकार ने वो जो जमीन थी जहां पर से वो पेड़ काटने आए थे जिस जंगल की जमीन में वो उन्होंने स्पोर्ट्स कंपनी को दे दी वो जमीन उन्होंने स्पोर्ट्स कंपनी को लीज पे दे दी ठीक है भैया आपको बैट वैट बनाने होते हैं आपको स्पोर्ट्स मटेरियल बनाना होता है तो आप ये जंगल ले लो इसमें से लकड़ काट, काट काट के आप बनाते रहना तो फिर उन विलेजर्स को आ गया गुस्सा कहते भैया ऐसे कैसे हमने एक जो है डाली काटनी काटने को बोला अपना एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बनाने के लिए तो हमें बोलते हैं कि सरकार कहती है जंगल नहीं काटना और ये यहाँ पर इनको पूरे का पूरा जंगल दे दिया है कि साफ कर दो ठीक है हम तो ऐसा नहीं होने देंगे हम जंग, जंगल अब यहां पर बात ये नहीं थी कि ईगो आ गई कि हमें तो मना कर दिया और वो कह रहे हैं, हम जो यूज कर रहे जितनी वुड हमें चाहिए थी उससे फॉरेस्ट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा लेकिन आपने जितना ये स्पोर्ट्स कंपनी को अलाउ कर दिया है तो इससे तो जंगल खत्म हो जाएगा हमारा पूरे का पूरा ठीक है तो चिपको मूवमेंट में असलियत में हुआ क्या फिर जब वो फॉरेस्ट को कट करने आए बेसिकली फॉरेस्ट को कट करने आए तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया उन फॉरेस्ट को उन्होंने हक कर लिया अल्टीमेटली ठीक है उसको हक कर लिया और उन्होंने कहा कि भैया अगर अब काटना ही है आपको ट्री को तो साथ में हमें भी काट कर ले जाओ लेकिन हम तो पेड़ को कटने नहीं देंगे ओके सो चिपकू मूवमेंट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ठीक है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट है और 2012 के अंदर आपका ये सवाल पूछा गया है तो इस तरह के नॉर्मल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर और इकोलॉजी सेक्शन से एसोसिएटेड है वो हमें पता होनी चाहिए अच्छा इसके अंदर ना बच्चे कई बार कंप्लेंट करते हैं कि सर ये तो पेपर जो है अनकन्वेंशनल आ गया या ये तो सिलेबस में नहीं था या ये चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं थी देखो ये जो चीज़ है ना ये जो क्वेश्चन है इसमें आप किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकते हो अगर आपको कंप्लेंट करना है आपको गुस्सा होना है तो वो आपको खुद से होना पड़ेगा उसके में क्योंकि अगर आप स्कूल गए थे डेफिनेटली गए थे स्कूल आपके स्कूल के बेसिक्स क्लियर नहीं है अगर आप इन क्वेश्चन को आंसर हम नहीं कर पाते ना तो हमारे स्कूल के बेसिक्स क्लियर नहीं है क्योंकि स्कूल के अंदर ये कराया जाता है अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो सीबीएसई बोर्ड की पता नहीं सिक्स से लेकर ट्वेल्थ क्लास में कितनी बार चिपकू मूवमेंट का जिक्र आता है कभी साइंस में आता है कभी सोशल स्टडीज के अंदर आता है हर सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं चिपको मूवमेंट का जिक्र जो है वो आपको देखने को मिलता है ठीक है तो अब आप उसमें ये क्लेम कर दो कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली एग्रीकल्चर में लेकिन एग्रीकल्चर में मैंने तो ये कहीं पढ़ा नहीं था और पेपर में उसने डाल दिया तो ये अनकन्वेंशनल हो गया नहीं बेटा ये अनकन्वेंशनल नहीं है इस टाइप की बेसिक नॉलेज होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो कंट्री के अंदर बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं और बड़ी मूवमेंट्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू तो द एग्रीकल्चर सेक्टर अब अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हो कई बार क्या होता है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के जो तो आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड है उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ खास डिटेल नहीं होती है ठीक है तो अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं पता उसके बाद आप क्लेम करो कि मैंने तो चार साल में ये नहीं पढ़ा ये तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो जो बच्चा एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं भी होता उसको भी पता होता है अल्टीमेटली तो उसमें आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ये मैं आपको एक चीज जो है यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ नेक्स्ट आ जाओ बेटा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ पर है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कुछ ऐसे मेरे पास तीन ब्यूरो आते हैं जो आई के नेशनल ब्यूरो हैं और ये रहा आपका ऑप्शन यू हैव टू टेल मी वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ठीक है ये भी हमने दो तीन दिन पहले अपनी प्लस क्लास के अंदर पूरे का पूरा टेबल जो है डिस्कस किया था तो डेफिनेटली बच्चों को आना चाहिए धर्मेंद्र सनत हिमांशु आप तीनों ने मेरे ख्याल से वो क्लास लगाई थी बताओ जी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहां पर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और कोई Give me a second, guys. हाँ बेटा चलो तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा चलो आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन सी लखनऊ ठीक है लखनऊ के अंदर आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक है ठीक है तो ऐसे अपने पास तीन इंपॉर्टेंट नेशनल ब्यूरोज आते हैं जिनको अब हम एक बार देख लेते हैं ठीक है ये तीनों नेशनल ब्यूरोज में से आपसे डेफिनेटली डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है ओके सो लेटस लुक एट दीज नेशनल ब्यूरो सिक्स नेशनल ब्यूरोज बेसिकली ये आईसीएर के ही नेशनल ब्यूरोज हैं ओके तो छह आते हैं हमारे पास लिस्ट में एक एक करके फटाफट से इनको देख लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा यहां से अपना क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है सो so, ये क्या हो जाएगा इसके इसमें आपका ये है आपका माऊ में माऊ इज इन यूपी माऊ यूपी में है आपका नेक्स्ट है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल 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 इंसेक्ट रिसोर्सेज इंसेक्ट रिसोर्सेस ये कहाँ है आपका वन इज ऑल्सो इन बेंगलुरु ये भी कहां पर है बेंगलुरु में है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज ओके उसके बाद नेक्स्ट एक आपका आ जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ठीक है ये कहां पर है दिस वन इज इन दिस वन इज नागपुर ये नागपुर के अंदर है आपका नागपुर कहां पर है महाराष्ट्र में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ नंबर पे आप देखें नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहां पर है ये है आपका अगेन लखनऊ में सॉरी करनाल में करनाल में यह है आपका करनाल में विच इज इन हरियाणा करनाल हरियाणा उसके बाद एक आपका कुछ आ जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सिस जो आपसे 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है विच इज इन लखनऊ द सिटी ऑफ नवाब्स एंड फाइनली जो आपका लास्ट में आ जाएगा एक आ जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज तो ये आपका न्यू डेली में है ठीक है अब देखो ये सेम साउंडिंग से है ना तीनों एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज फिश जेनेटिक रिसोर्सेज और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज तो अक्सर बच्चा इसमें कन्फ्यूज हो जाता है एनिमल वाला कहाँ पर है प्लांट वाला कहाँ पर है या फिश वाला कहाँ पर है कई बार तीनों को हम मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सिंग अप हमें नहीं करनी है एनिमल एनिमल करनाल में है फिश लखनऊ में है और प्लांट दिल्ली के अंदर है ठीक है तो इस तरीके से इसको याद रखना है ये छह इंस्टीट्यूट्स हैं

एक क्वेश्चन 2012 में देखो के आ गया अभी तक हमारे पास ठीक है एक क्वेश्चन छुपा हुआ है फॉरेस्ट एरिया के अंदर फॉरेस्ट्री के अंदर भी एग्जामिनर का, अच्छा का बहुत अच्छा इंटरेस्ट जो है वो देखने को हमें यहाँ पर क्लियरली मिल रहा है और डेफिनेटली साथ ही साथ एक चीज और मुझे समझ में आई यहाँ पर करंट अफेयर की रेलिवेंस ये करंट का क्वेश्चन है बेटा ये स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है ये कर दिया गया था। इसका आंसर जो है कन्फ्लिक्ट है अब इन ऑप्शन के हिसाब से आंसर दैट वी जनरली गो फॉर इज विद मानस नेशनल पार्क बट हमारे पास जो कुछ लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से यहाँ पर तो ऑप्शन में वो नहीं है उसके हिसाब से आपका बंदीपुर भी है ठीक है इसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा फैक्ट्स जो है हमें क्लियरली अभी तक मिले नहीं है बट अभी के लिए हम आंसर इसमें क्या लेकर के चलते हैं कि मानस नेशनल पार्क जो है वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रेयर एनिमल्स जो है वहां पर मिलते हैं ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट इज योर विच क्रॉप इज ग्रोन फॉर ग्रीन मेन्योर एंड फॉर्डर इनमें से कौन सा क्रॉप जो है उसको एज अ ग्रीन मेन्योर एंड एज अ फॉर्डर क्रॉप ग्रो किया जाता है विच क्रॉप इज ग्रोन एज अ ग्रीन क्रॉप एंड फॉर्डर हाँ जी बताए बी काउपी ओके और कुछ और कोई आंसर इसके अंदर कोई देना चाहता है तो आई एम नॉट फाइंडिंग दैट टेबल इसका मेरे पास ना एक पूरा टेबल है जो मैं जनरली बच्चों को कराता हूँ मैंने क्लास के अंदर भी कराया था बच्चों को ग्रीन uh, मेन्य से एसोसिएटेड एक टेबल हम देखते हैं जिसके अंदर हम वेरियस ग्रीन मेन्यर क्रॉप्स को कवर uh, करते हैं लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट टेबल फॉर यू गाइस फ्रॉम माय नोट्स चलो कोई बात नहीं उसको हम फिर देखेंगे अगर मुझे जब वो टेबल मिल जाएगा ठीक है अभी मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा ऐसे नहीं मिलेगा वो क्योंकि नोट्स भी इतने बल्कि हो चुके हैं तुम्हारे टीचर के कि अल्टीमेटली उनमें से ढूंढ के निकालना भी एक अपने आप में टास्क है फिलहाल के लिए इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी चिकपी सॉरी कॉपी कॉपी को आप एज अ ग्रीन मेन्योअर एंड बोथ एज अ फॉर्डर जो है यूज कर सकते हो ठीक है फॉर्डर इसको एक काफ़ी अच्छा फॉर्डर जो है कंसीडर किया जाता है आपके काउपी को बिकॉज इट्स वेरी न्यूट्रिशियस फॉर योर एनिमल ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है बेटा है ये आज का रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस इज हायर इन विच लाइट इनमें से कौन सी लाइट के अंदर आपका जो रेट ऑफ फोटो सिंथिसिस है वो हाई होता है ठीक है जनरली आपकी वाइट लाइट आती है वाइट लाइट के अंदर आपके सेवन कलर्स होते हैं बचपन में साइंस में पढ़ा था ठीक है वो कौन से होते हैं सेवन कलर्स विप ग्योर फॉर वॉयलेट आई क्या होता है इंडिगो इंडिगो होता है ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड तो एक जो आपकी व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर ये सेवन कलर्स होते हैं तो उनमें से फोटोसिंथेसिस का जो हाइएस्ट रेट होता है वो इनमें से कौन सी कलर ऑफ लाइट में होता है एंड द करेक्ट आंसर ओवर हेयर विल बी गाइज ऑप्शन ए, रेड कलर रेड कलर का हाईएस्ट जो रेट है फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा अगर कोई कलर ऑफ लाइट रोल प्ले करती है सो दैट इज योर रेड कलर ठीक है तो फोटोसिंथेसिस का रेट हाईएस्ट होता है रेड कलर की लाइट के अंदर ठीक है नेड लाइट इज मोर इफेक्टिव इन फोटो सिंथेसिस बिकॉज द फोटो सिस्टम दैट इज पी एस वन एंड पी जो आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट uh, को इन द वेवलेंथ ऑफ रेड रीजन जो 680 टू 700 हंड्रेड एनएम के बीच में होती है ठीक है uh, जो ब्लू लाइट होती है वो कैटोनाइड्स बेसिकली इसको एब्जॉर्ब करते हैं जो एनर्जी पास करते हैं क्लोरोफिल को जो रेड रीजन की लाइट होती है वो डायरेक्टली क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है और मैक्सिमम एब्जॉर्ब क्योंकि क्लोरोफिल रेड लाइट की करता है तो इसी वजह से हम कह, कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो भी मैक्सिमम रेड कलर में ही होगी ग्रीन लाइट जो है वो लीस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के अंदर अब अगर जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन हमने पूछ लिया 2012 में कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाइयर इन विच लाइट अगर मैं ये हाइयर की जगह लीस्ट कर देता मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं 2021 में जो मैं पेपर लूंगा उसमें मैं हाई बाईस में जो मैं मेन्स का पेपर लूंगा उसमें मैं हाइयर की जगह लीस्ट कर दूंगा और लीस्ट जब मैं इसको कर दूंगा तो मेरा आंसर चेंज होकर रेड की जगह क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा ठीक है तो इस चीज़ को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि सिर्फ अल्टीमेटली uh, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना हमने अपने आप को रोक कर नहीं रखना है कि अल्टीमेटली सिर्फ एम सी क्यू किया उसका आंसर देखा और निपटा दिया उस एम सी क्यू के अंदर से और क्या एम सी क्यू फ्रेम हो सकता है अल्टीमेटली वो देखना भी हमारा ही काम है क्योंकि अल्टीमेटली पेपर क्लियर करके अफसर भी हमें ही बनना है ठीक है सो आंसर यहाँ पर तब हो जाएगा ग्रीन अगर लीस्ट पूछ लेगा ठीक है जी चलो ठीक है बेटा तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन एंड अगर अब किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो ऑल राइट एंड डेफिनेटली इफ यू आर नॉट अ प्लस सब्सक्राइबर यू कैन टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड के गर्ग फोर कुछ नहीं करना है कर के गर्ग फोर को जाकर के कोड में लगा देना है बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा नहीं लगाओगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा और किसी टीचर का कोई कोड है आपके पास कोई और कोड अवेलेबल है वो लगा लो वो आपकी मर्जी है ठीक है चलो ब्लू भी होता है ब्लू लेकिन रेड से कम है कंपैरेटिवली ठीक है ब्लू रेड से कम है और ब्लू की जो लाइट uh, एब्जॉर्ब होती है वो कैटोनाइड एब्जॉर्ब uh, करते हैं जो एनर्जी क्लोरोफिल को देते हैं लेकिन रेड uh, जो लाइट है वो डायरेक्टली क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है ठीक है चलो सो ठीक है गाइस हेयर बी एंडिंग द सेशन एंड विल सी यू टुमारो एंड टिल देन टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय